अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारे पास एक फ़िलिप्स कंपनी का क्लासिक 500 वाट का ये हमारे पास मिक्सर आया बनने का। इसकी प्रॉब्लम ये है, ये देखिए बिल्कुल डेड कंडीशन में है, और इसमें ये जब भी हम लगाते हैं तो ये 4 एम्पीयर करीब 3 एम्पीयर करीब देता है, इस तरह से आवाज़ करता है। तो आप देख सकते हैं आवाज़ देखने में कर रहा है, इसको हम खोलेंगे और अंदर कंडीशन में हम इसको खोलेंगे। इसका आर्मेचर प्रॉब्लम लग रहा है, ये पानी गिरने से होता है ऐसा। जो जब ये वाटी ख़राब हो जाती है, मिक्सर का जो जार होता है जब वो ख़राब हो जाता है, तो इसमें पानी जाने से ही ये अक्सर शिकायत आती है इसमें। तो आप जब भी आपकी वाटी गड़बड़ हो तो आप इसको रिपेयर करवाएं या नया ले लें, नहीं तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। आप देख सकते हैं ये खुल गया है, ये ऑटो कट है इसका, थर्मोस्टेट जिसको बोलते हैं, और ये इसका मोटर है। इसमें पानी गया हुआ है, देखिए चमक रहा होगा। इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले खोलने से पहले आपको यहाँ खोलना होगा इसको, और ये क्लॉकवाइज खुलता है, एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है। इसकी उल्टी चूड़ी होती है, इसमें जो चूड़ी होती है ये देखिए, ये उल्टी होती है। खोल लेते हैं, इसी तरह से ये खुलेगा। इस तरह से ये टाइट होगा, और थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ मारना है। इसी तरह से ये खुलेगा। कभी कभी आपको लगेगा ये खुल नहीं रहा है, टाइट हो रहा है, तो आपको बराबर ऐसे ही करना है, ये खुल जाएगा। मॉडल में गाइस यहाँ पे देखिए स्क्रू नहीं होता है, लेकिन इसमें स्क्रू लगा हुआ है। ये फिलिप्स क्लासिक मॉडल में ये यहाँ पे देखिए स्क्रू लगा हुआ है, इस तरह से ये यहाँ पर छुपा होता है। निकाल लेते हैं, ये देखिए खुल गया है। इसको हम ऑयल से इससे जल्दी हो जाता है। खुल गया है, मोटर बाहर आ गया, इसका आर्मेचर खराब हो चुका है बिल्कुल। अब इसका फील्ड बिल्कुल ओके दिख रहा है, इसके फील्ड को चेक करेंगे सबसे पहले, ये वाले फील्ड को तो सेम चेक करेंगे। ये ब्लैक वाला और ये वाइट वाला, ये फील्ड का है, ये देखिए बॉडी करंट नहीं है। और यहाँ पे एक रखेंगे और एक यहाँ पे रखेंगे, देखिए ये फील्ड सही है। और दूसरी फील्ड को चेक करेंगे इस साइड से, तो फील्ड कॉइल बोलते हैं इसको, भी देखिए ये बॉडी दिखा रहा है, इसके लिए बॉडी कभी नहीं दिखा रहा। तो अब इसको चेक करेंगे हम, निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए ये
ये भी फील्ड सही है। सभी मिल गए हैं और यहाँ पे जो बुश लगा हुआ है ये कट गया है, ये देख सकते हैं आप, बुश भी कट गया है, बुश भी डालेंगे। इसको खोल लेते हैं यहाँ से, दो नट लगा होता है पीछे की तरफ, ये नट होता है और ये ऊपर की तरफ बोल्ट होता है, ये इस टाइप का। ये आप देख सकते हैं ये इसका आर्मेचर है और ये बिल्कुल ये कट चुका है शाफ्ट और ये भी कट चुका है, ये देखिए पूरा पूरा हिल रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल ओके है। इसको सफ़ा कर लेंगे अच्छे से और ये इसका आर्मेचर है, ये देख सकते हैं आप, ये आर्मेचर हम लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं इसमें ये जो है ये सेम होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये सेम सेम है और ये बुश ख़राब है इसका, ये बुश देखिए, ये देखिए एकदम बिल्कुल ओके है, इस पर देखिए ख़राब वाले पे नहीं जा रहा है और जाएगा भी तो यहाँ पे कट गया है ये और ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं पहले, तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से आपको निकालना है, नीचे करके आपको इस तरह से मारना है, ये देखो निकल गया इसका बुश, यही बुश था ये जो ख़राब हो चुका है, देखिए ये सेम सेम, इसको भी निकाल लेना आपको नहीं तो ये बैठेगा नहीं। आराम से ठोकना है आपको तो टूट जाएगा, एल्युमिनियम का होता है सभी, ठीक है। इस पर काटन लगा होता है, इस पर अच्छे से साफ करके भाई फिर से बैठाएंगे इसको, ये वाला ये साफ़ कर लिए हैं, अब इसको इस तरह से रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको ऊपर से रख के ठोक देंगे, तब इसको दबा लेंगे नहीं तो हिलेगा बस। इस तरह से बैठा कर इसके ऊपर दबा देंगे, इस टाइप के पाइप से आपको रख के पंच करना है आपको, सीधा कर लेना है उसको आप, ये आप देख सकते हैं लग गया इसकी स्प्रिंग और ये जो खांचा ये वही है, केवल बुश हमने चेंज किया है, अब इसमें हम बैठाएंगे इसको, ये देखिए ये लड़े ना इसकी वजह से आपको यहाँ पे इसमें वार्सल लगा देना है, थोड़ा गैप हो जाए
देख सकते हैं इतना ही बाहर निकला रहे जितने पेड़ था। ठीक है, अब इसको आप ये ना भूलें, ये चीज़ ना भूलें, ये इस पे बैठती है, इस पे जाके बैठती है। अब इस चीज़ को आराम से बैठा लें। ठीक है, अच्छे से बैठा लें। यहाँ पर रख लें, फिर उसके बाद उसको लगाएं। दोनों बराबर टाइट कर, क्योंकि बुश है ये, बैरिंग नहीं है। अभी हल्का आप ठोकेंगे और फ्री होगा। देख सकते हैं और थोड़ा टाइट कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। इसे चेक कर लें। अब इसके बाद यहाँ पे कार्बन लगाएं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है, अब इसको हम चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, अब इसको पकड़ के ही चालू करें, नहीं तो ये उछलने लगेगा इधर उधर। तो सबसे पहले हम सीरीज से चेक करेंगे, ये देखिए तो जाम है, इसको ये कर देंगे, देखिए फ्री हो गया। और इसको जो है और इधर करेंगे, खोलने के बाद नीचे की तरफ, इसमें आगे की तरफ वाशर को बढ़ा के थोड़ा पीछे करेंगे। यहाँ से हो जाएगा, वाशर यहाँ पर पड़ा है ताकि ये लेबल में आके चले। तो यहाँ पे लेबल होता है, ये हो जाएगा बाद में, और इसके लेबल से भी हमको करना है। ज़्यादा पल्ले है, थोड़ा सा हल्का पल्ले करना है इसको।
पार्किंग कर रहा है ज़्यादा, अच्छे से बस नहीं है, कभी कभी इसकी भी प्रॉब्लम होती है। निकाल के सही कर लेंगे, तो भाई जब आप देख सकते हैं इसको हमने खोल के जैसे था सेट वैसे सेट कर दिया। अभी देखिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अभी बिल्कुल ओके है। और इसमें थोड़ा हम मोबिल डाल देंगे, आपको लगाना सिखाएंगे। ये देखिए ये स्क्रू पे ये नट टाइट होगा, इसमें हमने मोबिल लगा दी है, ये बस ख़राब निकला इसमें से। टाइट कर लेते हैं, देरी के फ्रेंड टाइट हो गए हैं, इसको लगा लेना है आपको। इसको टाइट कर लेना है एंटी क्लॉक वाइज, ये नहीं छुड़ी है नहीं बैठ रही है, थोड़ा सा इसको हम दबा के टाइट कर देंगे। देख सकते हैं ये अच्छे से टाइट हो गया। ये देखिए अब इसका कनेक्शन दबा दो, तो ये इसमें डायोड लगा हुआ है रेगुलेटर के लिए, तो एक नंबर पे हमें दो नंबर पे लगा देना है, लगा लेते हैं। तीन नंबर और ये इसमें लगेगा, ये इसके लगेगा, ये कंप्लीट हो चुका है, पैक कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद टाइप कर लेंगे।
वायर लूज है, तो सही कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो गया है। अब इसको पैक करके सकते हैं, इसको हमने बना दिया है, ये पूरा फिटिंग कर दिया हमने। अब इसको हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए इसको निकाल के दिखाएंगे पहले। ये देखिए अभी ये 1.5 ले रहा है, ये देखिए अभी फुल स्पीड में 1.3 ले रहा है। इसका आर्मेचर गड़बड़ था और इसमें बुश ख़राब था, और ये वाटी हमने नहीं लगा के चेक करी इस पर, ये वाटी बिल्कुल नहीं है। ये देखिए ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।